हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टेस्ट के डेबे। तो देखिए, आज बनाने जा रहे हैं पापड़ और मेथी की सब्जी। तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए पापड़ मेथी की सब्जी बनाते हैं। तो पापड़ मेथी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मेथी भिगो की तैयारी करनी है। तो ये देखिए, 4-5 घंटे पहले आपको मेथी भिगो देनी है, या आप ओवरनाइट भी मेथी को भिगो के रख सकते हैं। तो अच्छे से साफ पानी से धो के और मेथी को भिगो दिए। अब मेथी की को कुकर में डाल के और इसको 3-4 सीटी दिलवा लेते हैं। तो 3-4 सीटी कुकर में दिलवा लिए उनको। अब देखते हैं आगे की तैयारी करते हैं। तो आगे की तैयारी करने के लिए देखिए, पापड़ लिए, तो 3 पापड़ लिए, इसको कट करके तैयारी कर लेते हैं। तो जितनी आपको सब्जी बनानी है उस हिसाब से आप पापड़ और मेथी लीजिए। तो 3 पापड़ लिए, इसके अंदर 2 चम्मच, जैसे खाना खाने वाली चम्मच होती है, उन चम्मच से 2 चम्मच मेथी भिगो की और तैयारी की है। तो आप मेथी भी कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये ले लिए आधी कटोरी दही। तो दही के अंदर देखिए मसाला डाल लेती हूँ। तो मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ तो ये हल्की जैसे मलाई वाला दही होता है वो दही लेती हूँ हमेशा। उनसे क्या सब्जी बहुत ही अच्छी और एकदम क्रीमी क्रीमी बन के तैयारी होती है। तो मसाला देखिए, इसके अंदर मिर्च और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से। तो लाल मिर्च पाउडर भी आप जैसे कम या ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट मसाले को साइड में रख देते हैं और ये रख दिए गैस के ऊपर कढ़ाई। इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। तो घी देखिए जमा हुआ घी है। तो जैसे सब्जी वाला चमचा होता है वो 1 चमचा घी डाला देसी। तो आप घी या तेल में जैसे आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं, पर घी में सब्जी क्या अच्छी बनती है। ये इसमें डाल दिए जीरा और हींग और 2 साबुत लाल मिर्च और लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जैसे आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए। तो 2 इसके अंदर हरी मिर्च डालिए। तो हरी मिर्च को डाल के 2 मिनट भून लिए। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। तो ये सारा मसाला डाल के मसाले को 2-3 मिनट भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। तेज आंच पे मसाले को नहीं भूनना है, क्योंकि तेज आंच पे भूनने से मसाला नीचे चिपक जाता है और अच्छा भून की तैयारी नहीं। तो ये देखिए 3-4 मिनट मसाले को अच्छे से भून लेना है प्लेट लगा के। तो 3-4 मिनट भूनने के बाद में ये देखिए, जो भी ऊपर घी या तेल होता है वो ऊपर आ जाता है और मसाला अच्छा भून की, जैसे दानेदार देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम दानेदार भून की तैयारी हो जाता है। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं मेथी। तो जो मेथी को उबाल के रखा उसको उबाल के और 4-5 बार अच्छे साफ पानी से आपको धो के और तैयारी कर लेनी है। तो आपको हाथ लगा के बिल्कुल नहीं धोना है, जैसे चम्मच की सहायता से भी आप धो सकते हैं, ऐसे भी आप नल के नीचे लगा के और आप धो के तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हाथ लगा के धोने से मेथी थोड़ी कड़वी हो जाती है, आपको हाथ लगा के बिल्कुल नहीं धोनी है। अब इसके अंदर जैसे मेथी डाल के फिर आपको 2-3 मिनट पका लेना है और बाद में इसके अंदर जैसे गरम पानी करके और डाल देना है। तो जैसे आपको ग्रेवी रखने है उस हिसाब से आपको पानी डालना है, कम या ज़्यादा आपको पसंद है उस हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया पापड़, और पापड़ डाल के आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे 2-3 मिनट आप पका लीजिए। तो ये सब्जी बहुत ही कम समय में आप ये सब्जी बना के तैयारी कर सकते हैं, और जब भी घर में कोई और सब्जी नहीं है तो आप ये सब्जी बना सकते हैं। और ये सूखा धनिया, तो सूखा धनिया भी आप जैसे धनिए को सुखा के और कैसे स्टोर करिए वो भी आपको वीडियो देखना है, तो मैं आपको लिंक डाल देती हूँ। घर में आप धनिए को सुखा के, जैसे अब आ रहा है धनिया, अभी धनिया की सीजन है, तो अभी आप धनिया ला के सुखा के स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर धनिया और गरम मसाला डाल के और सब्जी की गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया, और सब्जी देखिए इसका कलर देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिए।